Vidya, the School Management. सबसे पहले आप न्यू SMS ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, तो न्यू SMS में हम चले जाते हैं। न्यू SMS में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेलेक्ट SMS टेम्पलेट, यहाँ से हम SMS टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी, और यहाँ पे टाइप करते हैं एक मैसेज, डियर पेरेंट्स, ये हमारा मैसेज टाइप हो गया, डियर पेरेंट द स्कूल विल रीओपन। अब मुझे कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने होंगे, तो यहाँ पे दो कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं, गेट कॉन्टैक्ट्स एंड गेट स्टूडेंट्स। गेट कॉन्टैक्ट मीन्स कि अगर आपको स्टाफ्स को या अदर किसी पर्सन को कॉन्टैक्ट भेजने हैं मैसेजेस, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं उसको, या गेट स्टूडेंट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लास वाइज ऑप्शन मिलता है, किसी भी बच्चे को सेंड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, आप स्टूडेंट्स को सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं या इंडिविजुअली किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करके मैसेज को सेंड कर सकते हैं। जैसे आपने नंबर यहाँ पे सेव किया, आपको मैसेज यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन मिलता है, आपने रिकॉर्ड सेव कर लिया। देन यहाँ पे SMS पे आप आके SMS बॉक्स पे क्लिक करते हैं, SMS बॉक्स में आपको डेट, स्टेटस नॉट सेंड और रिफ्रेश करना होता है। जैसे आपने रिफ्रेश पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे मैसेजेस शो हो रहे होंगे, हम इन मैसेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, और अपलोड एंड सेंड का यहाँ पे बटन आपको राइट साइड में दिखता है, अपलोड एंड सेंड पे हम क्लिक करते हैं तो आपका जो मैसेज है वो अपलोड हो गया है सेंड के लिए। जैसे ये सेंड हो जाती है, उसके बाद यहाँ पे आपको पेंडिंग स्टेटस एंड अदर जो सेंड स्टेटस, यानी आपको स्टेटस देखनी है कि आपके मैसेज कहीं पेंडिंग तो नहीं है या सेंड हुए हैं कि नहीं हुए, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कंटिन्यू देख सकते हैं। पेंडिंग पे आप जैसे क्लिक करते हैं, उसके बाद अपडेट स्टेटस करते हैं, तो ये स्टेटस आपको बता देता है। फिर आप सेंड पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि ये मैसेजेस सेंड हो चुके हैं।